मैं हूं जूली, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। रविवार को कोरोना संक्रमित मरीजों के नए मामलों का आंकड़ा 350 पार कर गया। 2 जनवरी को राज्य में कोरोना के 352 नए संक्रमित पाए गए, जो कि शनिवार के मुकाबले 71 अधिक मामले हैं। वहीं पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में कोरोना के 87 नए संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने अब स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने रविवार को कोरोना के बढ़ते मामलों की जानकारी देते हुए कहा कि पटना स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी कि NMCH के 87 जूनियर डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि राहत की खबर यह है कि इन सभी डॉक्टर्स में हल्के फुल्के लक्षण ही पाए गए हैं, वहीं कुछ संक्रमितों में बिल्कुल भी लक्षण नहीं पाए गए। इन सभी डॉक्टरों को अस्पताल के कैंपस में ही आइसोलेशन में रखा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक कुल 194 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से 87 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है। लगातार इतनी बड़ी संख्या में नए मामलों के सामने आने से अब प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है और संक्रमित पाए गए लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रैकिंग करने में जुट गया है। पटना में DM चंद्रशेखर सिंह का कहना है कि NMCH का PG हॉस्टल पटना का पहला कंटेनमेंट जोन बनेगा। बता दें कि इससे पहले पटना एम्स के 2 डॉक्टरों को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद से ही लगातार राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले पटना में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके बाद से ही लगातार डॉक्टरों के संक्रमित होने की खबर सामने आ रही है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत राज्य के कई बड़े अधिकारी भी शामिल हुए थे। रविवार को 352 नए मरीजों के साथ राज्य में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1074 हो गई है। इसमें से सबसे अधिक मामले जो है वो पटना और गया में ही है। पटना में 544 और गया में 277 मामले अभी एक्टिव है। हालांकि एक राहत की खबर यह है कि पिछले 4 दिनों में कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य में अभी तक किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है, जिसकी वजह से अब तक राज्य में कोरोना के वजह से मरने वाले लोगों की संख्या 12,096 बरकरार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।